हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। चलो बच्चों, आज बताओ कौन सी तारीख है आज? आज 2 तारीख है और महीना कौन सा है? अक्टूबर का महीना है, तो आज 2 अक्टूबर है ना, पता चला? तो बच्चों, 2 अक्टूबर के दिन क्या होता है, किसी को पता है? तो बच्चों, 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, तभी से हम उनको क्या मनाते हैं, महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं। कौन सी तारीख को मनाते हैं? 2 अक्टूबर। तो आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, मतलब उनका जीवन, महात्मा गांधी जयंती है मतलब उनका जन्म हुआ था। तो आपको पता है महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो बच्चों, हमको पता होना चाहिए, अब तो हमको गांधी जी तो बोलते हैं। तो बच्चों, उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। आपको पूछे महात्मा गांधी जी का जन्म, आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। और उनका जन्म 2 अक्टूबर तो बताए, उनका ईयर्स कौन था है? तो बच्चों, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो उनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। हमारे गुजरात में उनका जन्म हुआ था, कौन सी जगह पर हुआ था? पोरबंदर स्थान पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। और उन्हीं ने ही हमको आज़ाद करवाया था। पहले हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के गुलाम था, तो उन्हें हमें आज़ाद करवाया था। और बच्चों, उनकी माता का नाम था पुतलीबाई, गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई, और पिता का नाम था करमचंद गांधी। जैसे हमने उनका गांधी जी का पूरा नाम बोला ना, मोहनदास करमचंद गांधी, तो मोहनदास तो उनका था, करमचंद उनके पापा का नाम था, पिता का नाम था। हमारे गुजरात में हम ऐसे ही नाम लिखते हैं, आप भी जब नाम लिखते हो अपने पापा का नाम लिखते हो, तो उसी प्रकार आपको ये पता, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का नाम मोहनदास था, उनके पापा का नाम था करमचंद गांधी, उनकी मम्मी का नाम पुतलीबाई था। ओके बच्चों, वो भी आगे देखते हैं। महात्मा गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। ओके, तो मैं आपको एक महात्मा गांधी जी की बहुत अच्छी अच्छी कहानी सुनाती हूँ। बच्चों, उन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत आंदोलन किए, बहुत कष्ट झेले। तो चलो, हम उसके बारे में आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। ओके, चलो हम देखते हैं बच्चों। देखो ये बच्चों, हैप्पी गांधी जयंती, गांधी जी का पिक्चर दिया गया है, ऐसे गांधी जी दिखते थे। तो बच्चों, महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद कराया था। हमारे देश को किसने आज़ाद कराया? महात्मा गांधी ने कराया था। लोग उन्हें बापू कहकर पुकारते थे, पूरे देश को सब क्या बोलते थे, उनको बापू कहकर पुकारते थे। आओ उनके जीवन से जुड़ी एक मज़ेदार घटना सुनते हैं, मतलब उन्होंने एक अच्छी, मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाती हूँ, तो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या हुआ उनके साथ, वो हम देखते हैं। तो बच्चों, एक बार एक बच्चा बापू से मिलने आया, उसने देखा कि बापू के शरीर पर केवल एक धोती थी। आपने पिक्चर में देखा हुआ है, बापू जी एक ही, उनके शरीर पर एक ही धोती होती है, धोती थी। उसने बापू से पूछा, बापू आप केवल धोती ही क्यों पहनते हो, क्या आपके पास कोई कुर्ता नहीं है, ऊपर आपके अंदर कोई जब्बा कुर्ता नहीं है पहनने के लिए? बापू ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि कुर्ता सिलवा सकूं। क्या कहा बापू ने? बापू ने कहा कि मेरे पास में इतने पैसे नहीं है कि मैं कुर्ता सिलवा सकूं। बापू से ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन बच्चा परेशान हो गया। उससे लगा कि बापू गरीब है। उसने कहा, मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा। क्या बोला उसने? कि मैं मेरी मम्मी को बोलूँगा और आपके लिए कुर्ता सिलवा दूंगा। बापू ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिलेगी? तो बच्चा प्रसन्न हो उठा, बोला, बापू आपको जितने कुर्ते चाहिए मेरी माँ उतने सिल देगी। बापू ने इस बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारी माँ मेरे सभी भाई बहनों के लिए कुर्ते सिल देगी? तो बच्चे ने भोले मन से पूछा, आपके कितने भाई बहन हैं?
तो बापू ने कहा, बेटा मैं भारत माँ की संतान हूँ और इस देश के सारे लोग मेरे भाई बहन हैं। उनमें से बहुत से लोग के तन पे कपड़े नहीं हैं। जब उन लोगों के तन पर कपड़े होंगे तभी मैं कुर्ता पहन सकूंगा। बच्चा सोच में पड़ गया, उनके कितने भाई बहन होंगे। तब बापू, हमारा भारत गुलाम है, गुलामी के कारण यहाँ के अनेक लोग बहुत गरीब हो गए हैं। बापू ने कहा कि हमारा देश गुलाम, उनमें से कई तो ऐसे हैं जिनके पास न तो खाने को भोजन है और न पहनने को कपड़े हैं। इसलिए तो मैं सारे देशवासियों की चिंता करता हूँ। बापू की बात का उस बच्चे के मन में गहरा प्रभाव पड़ा। उसने मन ही मन ठान लिया कि मैं बड़ा होकर वह भी देश की सेवा करेगा। सोच ले कि मैं बड़ा होकर देश की सेवा करूँगा, उसने मन ही मन में ठान लिया था। गांधी जी, महात्मा गांधी का नाम हम सभी जानते हैं। उन्होंने भारत देश के आज़ाद करवाने के लिए अंग्रेजों का अत्याचार सहा, कई यातनाएं भी इन्होंने झेली। इस महापुरुष ने पूरी मानव जाति को शांति तथा अहिंसा का संदेश दिया। जब तक यह संसार है तब तक उन्हें कोई भूला नहीं पाएगा। किनको? बापू को। मनुष्य को केवल अपने लिए ही नहीं जीना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचने तथा समाज की सेवा करने की भावना होनी चाहिए, हर किसी में होनी चाहिए। ईश्वर ने सभी को समान नहीं बनाया है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है। मन में सेवा भाव रखने से मनुष्य ऊंचा उठता है। तो बच्चों, आपको पता चला गांधी जी का कैसा स्वभाव था? वो पहले खुद का नहीं, वो अपने देश का सोचते थे, इसलिए उन्होंने वो कभी भी कुर्ता नहीं पहनते थे। आपने भी पिक्चर में देखा होगा कि वो ओनली पर धोती ही पहना करते थे। ओके, तो ये उनके जीवन की घटना थी कि उनके साथ ऐसा हुआ था। चलो हम दूसरे एक घटना में आपको सुनाती हूँ, सुनते हैं हम। तो बच्चों, आपको भी लगा होगा कि उनका नाम तो मोहनदास है, तो महात्मा गांधी कैसे बने? तो चलो हम इनकी एक कहानी सुनते हैं। मैं आपको उनकी एक कहानी सुनाती हूँ कि वो कैसे महात्मा गांधी बने। ओके बच्चों, तो ध्यान से सुना। यह कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका का नाम सुना है ना, वहाँ से। जब पहले मोहनदास दक्षिण अफ्रीका नौकरी करने गए थे तब वहाँ रहने वाले भारतीय लोगों की दुर्दशा देखकर वे दुखी हो गए दक्षिण अफ्रीका में। फिर उन्हें महसूस किया कि मातृभाषा से आत्मीय कोई दूसरी भाषा नहीं है, लेकिन जिन लोगों के बीच में हमें रहना पड़े उस भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है, जो वहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती थी। इसलिए मोहनदास ने ऐलान कर दिया कि जिसे भी जरूरत हो वह अंग्रेजी सीखने आ सकता है। कौन सिखाएगा? महात्मा गांधी जी सिखाएंगे। वे उन्हें मुफ्त में, फ्री में ही अंग्रेजी पढ़ा देंगे। यह सोचकर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा कि वे परदेश में अपने भाइयों के किसी काम आ सकेंगे। उन्होंने वहाँ पर जाके ऐसा किया। एक सप्ताह बीत गया, केवल एक आदमी उन्हें खोजते खोजते पहुँचा। वह एक दफ्तर में काम करता था, एक ऑफिस में नौकरी करता था। उसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी पहले से ही आती थी, परंतु जैसे महीन अंग्रेजी उसके अधिकारी बोलते थे, वह वैसी ही अंग्रेजी सीखने मोहनदास के पास आया था। फिर कुछ दिन बाद एक नाई आया, वह सैलून चलाता था, मतलब दुकान थी उसके बाल काटने की। नाई को अधिकतर गोरे उसके ग्राहक थे, पर एक दूसरे की भाषा न समझ पाने के कारण उसका व्यवसाय उतना बढ़ नहीं रहा था। वहाँ पर सब अंग्रेजी बोलते थे, इसलिए मोहनदास उसे भी पढ़ाने लगे। तीसरा चेला एक छोटा दुकानदार था जो पंसारी था, करीना की दुकान थी वहाँ पर। बस पाठशाला में थे ये कुल तीन विद्यार्थी थे, उनके वहाँ पर तीन विद्यार्थी आते थे। तो तीनों क्या अंग्रेजी सीखने के लिए, एक नाई था, एक दुकानदार था, वो अंग्रेजी सीखने के लिए वहाँ पर गांधी जी के पास में आए। तो गांधी जी ने क्लास चालू किया हुआ था। फिर देखो, विद्यार्थी भी ऐसे कि अपनी ज़रूरत बता देते और वही सब सीखते। वे मूल पाठ को इतना तोड़ मरोड़ देते कि कई बार अर्थ का अनर्थ होते होते बच जाता।
न तो एडजेक्टिव से उन्हें कोई लेना देना था, न एडवर्ब से लेना देना था। फिर चलो आगे देखते हैं। अब मोहनदास को अक्सर एकलव्य की याद आ जाती थी। एकलव्य के नाम सुना है ना। खैर एकलव्य ने तो फिर भी गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा ही काट कर दे दिया था। पर यहाँ तो बस गुरु ही गुरु थे और वे शिष्य दक्षिणा क्या देते। बल्कि दक्षिणा के तौर पर अक्सर गुरुजी को ही उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर पढ़ने के लिए बुलाना पड़ता था। उन्हें गांधी जी अपने पास बुलाया करते थे। कभी कभी तो मोहनदास जी अपने ज्ञान की गठरी लिए तीनों चेलों के यहाँ फेरी लगाते थे, उनके घर पर जाते थे। कभी देखते नाई किसी घोड़े की हजामत कर रहा है, उसे और अधिक गोरा बनाने में इतना तन्मय है कि उसे गुरुजी के आने का पता ही ना चला, या फिर उसे पढ़ाने की बजाय गुरुजी उसको ग्राहक और उसके बीच दूरभाषिण का काम कर रहे थे, पता ही नहीं चलता था उनको। यही हाल दफ्तर वाले बाबू का था। वह अक्सर घर देर से लौटता हो गुरुजी भी वहीं उसके बरामदे में उसकी बाट जोते जोते सो जाते। गांधी जी उसके घर पर पढ़ाने जाते थे पर वो लेट आता तो गांधी जी वहीं सो जाते। दुकानदार के यहाँ भी यही हाल था। जगह थोड़ी होने की वजह से गुरुजी को सड़क पर ही खड़े खड़े उसे पढ़ाना पड़ता था। पढ़ाना भी क्या, दाल और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हल्दी को क्या कहेंगे आदि आदि ऐसा वो पढ़ाते थे। फिर बतौर दक्षिणा उसका भी हिसाब किताब वहीं खाते में लिखकर गुरुजी छुट्टी पाते थे। तो यही थी गुरुजी की पाठशाला। लेकिन गुरुजी को संतोष था कि आखिर में जब तीनों शिष्यों ने अपने गुरु को जी की रिटायर कर दिया, मतलब सब पढ़ लिया, उनका जो सिलेबस पूरा हो गया, तब तक नाई थोड़ी बहुत गिटार पिटार करका इंग्लिश सीख गया था। दफ्तर का बाबू पांडर में एक्सक्यूज मी फाइल कहकर अपना सिक्का जमाने लगा था, मतलब वो थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी वो भी सीख गया था। फिर दुकानदार भी अब डिब्बों के ढक्कन खोल खोल कर चीज़ें दिखाने की तकलीफ से बच गया था, तो उसको पता चल गया था अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं। रही दक्षिणा की बात तो वह तो शिष्यों ने गुरुजी से वसूल कर ही ली थी। तो अब देखते हैं क्या देते हैं वो। तो क्या किया उन्होंने, अपनी वसूल कर ली। तो मुझे ये गांधी जी के बारे में बताया गया कि उन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया था। उनको क्या था कि भाई हमारा देश का नागरिक दूसरे देश में जाके पीछे नहीं पड़े। उसको वो दूसरे देश में गया है तो हमारे देश का नाम रोशन हो। ओके बच्चों, ये गांधी जी का बारे में मैंने आपको दो कहानियाँ सुनाई। आपको कैसी लगी, अच्छी लगी ना। तो जो हमारे गांधी जी बापू हमारे, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम हर साल 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाते हैं। ओके, हैप्पी गांधी जयंती बच्चों।